तो सालों पहले परमेश्वर मुझे एक दर्शन दिया है ना, वो दर्शन ये था कि हम एक स्थिर रोड पर चल रहे, सीधी रोड पर चल रहे हैं, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, सीधी रोड पर चल रहा हूँ और उस रोड पर एक भाई को मैं देखता हूँ, है ना। और मैं उससे पूछने के लिए जैसे ही दौड़ा, वो मुझसे 10 कदम और आगे निकल जाता था, है ना। और मैं उससे उस सपने में एक बात पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि भैया अंत तक कौन स्थिर रह सकता है ना। मैं उससे एक बात पूछ रहा था, और लेकिन जैसे मैं उसके पीछे दौड़ रहा था, वो 10 कदम मुझसे क्या हो रहा था, और आगे निकल जा रहा था, है ना। और मैं उसके बस पीठ के दर्शन को पा रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जब मैंने एक बात पूछी, मैंने उसे भैया कहने के लिए, मैंने उसे भैया कहने के लिए मुंह खोला और मैंने कहा कि भैया अंत तक कौन स्थिर रह सकता है ना। तो उन्होंने मुझसे कहा, आशा, विश्वास और प्रेम। उन्होंने क्या कहा मुझसे? आशा, विश्वास और प्रेम। देखिए, यही तीनों जो भेद है, इसके बाद परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी वचन के द्वारा, है ना। और उसके बाद परमेश्वर अपने प्रकाशन को ऐसे रिवील करने लग गया मेरे ऊपर, ऐसे बताने लग गया कि मैं जिन भाइयों के साथ भी उस बात को बांटता था ना, वो स्थिर होने लग जाते थे, है ना। वो स्थिर होने लग जाते थे और स्थिर विश्वासी बन गए, है ना। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने ऐसे भाइयों को काउंसिल करने का मौका दिया, है ना। आज उनमें से कई भाई पास्टर्स हैं और कई परमेश्वर के नाम से सेवा कर रहे हैं उत्तरकाशी में, है ना। कई बहुत जगह क्या कर रहे हैं, परमेश्वर में सब क्या है, स्थिर बने हुए हैं। और सब क्या चलाते हैं, कलीसिया बना चलाते हैं ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पौलुस एक वचन कहता है, मैं आज आपके साथ वो प्रकाशन बांटना चाहता हूँ। रोमियो की किताब निकाल लेंगे हम और 1:11 पढ़ेंगे, और मैं भी इसी लालसा के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। रोमियो की किताब 1:11 में क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। हालेलुया। आज मैं आपके लिए एक आत्मिक वरदान लेकर आया हूँ। आमीन, आमीन, बोलो। ये आत्मिक वरदान आज के लिए मेरे लिए होगा। आमीन, है ना। वचन में लिखा है कि पौलुस उनसे मिलने की लालसा करता था, इसलिए कि उन्हें एक ऐसा आत्मिक वरदान दे दे जिससे वो क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। हालेलुया, है ना। जिससे वो क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, है ना। और परमेश्वर की स्तुति हो। ये स्थिर वरदान आप जानते क्या है, ग्रीक भाषा में इसको एक विषय में लिखा गया है, कैरिज्मा। क्या लिखा गया है? कैरिज्मा। इसे ग्रीक भाषा में लिखा गया है कैरिज्मा, है ना। इस स्थिर वरदान को कैरिज्मा लिखा गया है, जिसका मतलब होता है ग्रेस, है ना। जिसका मतलब क्या होता है? ग्रेस, अनुग्रह, है ना। देखिए, अनुग्रह ही एक ऐसा वरदान है जिसके द्वारा हम क्या हो सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं। बोले अनुग्रह मेरे लिए स्थिरता का वरदान। आमीन। अनुग्रह क्या है? स्थिरता का वरदान है हमारे लिए, ग्रेस जो है, है ना। देखिए, आप सोच रहे होंगे ग्रेस क्या है, है ना। लूका की किताब निकालेंगे हम, लूका की किताब निकालेंगे और 1:28 और 27 से 29 तक पढ़ लीजिए आप, 29 तक। एक कुमारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। तीस भी पढ़ लीजिए। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर कर क्या आ रहा है, मरियम के पास आ रहा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते ये क्यों स्थिरता का वरदान है। अनुग्रह इसलिए स्थिरता का वरदान है क्योंकि स्वर्ग में भी ग्रेस चलता है। हालेलुया। जो स्वर्ग में अनुग्रह प्राप्त होता है उसी के द्वारा मनुष्य नीचे आशीषित होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग इसलिए जमीन पर आशीषित होते हैं क्योंकि स्वर्ग से अनुग्रह हमारे लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। बोले मैं इसलिए आशीषित हुआ हूँ क्योंकि मेरे लिए स्वर्ग से अनुग्रह का संदेश आया है, है ना। एक स्वर्गदूत ऊपर से उतार कर क्या कर रहा है, अनुग्रह के संदेश को बांट रहा है और कह रहा है ना। देखो, परमेश्वर चाहता बोलता कि आनंद और चैत तेरी हो क्योंकि गाड़ी बंगला तेरी होने वाली है ना।
परमेश्वर से बोलता कि आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि अब तू गर्भवती होने वाली है ना। संसार की आशीष मिलना और परमेश्वर की ओर से आशीष मिलना दो अलग अलग बातें हैं। हालेलुया। संसार की आशीष मिलना और परमेश्वर की ओर से आशीष मिलना क्या है? दो अलग अलग बातें हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति उस बात के लिए। और जब मरियम को ये बात सौंपी गई है ना, आनंद और जय तेरी हो। देखिए, जहां पर भेष होता है वहां पर क्या है? आनंद और जय है ना। हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं? आनंद ढूंढना चाह रहे हैं है ना। हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं? विक्ट्री देखना चाह रहे हैं अपने जीवन में है ना। हम देखना चाहते हैं रोगों पर विजय, हम देखना चाहते हैं अपने करियर पर विजय है ना। हम निराशाओं पर विजय देखना चाहते हैं। अगर हम विजय देखना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या जरूरी है? ग्रेस जरूरी है, अनुग्रह जरूरी है। हालेलुया। ये स्वर्गदूत ने उससे आकर कहा क्या? आनंद और जय तेरी हो। क्यों हो? जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ। हालेलुया। अनुग्रह केवल आनंद और जय को लेकर नहीं आता, लेकिन परमेश्वर के साथ को लेकर आता। हालेलुया। हालेलुया। जब ग्रेस आता है हमारी लाइफ में, तब क्या आता है? प्रभु हमारे साथ होता है, है ना। हम ढूंढते रहते हैं कि प्रभु आप मेरे साथ चलना, लेकिन उसके अनुग्रह को अगर हम नहीं समझेंगे, उसके ग्रेस को नहीं समझेंगे, तो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएंगे कभी, है ना। आज जो मैं आपको ये वरदान देता हूं है ना, ये जो वरदान आपको सौंपने वाला हूं, ये ग्रेस है, ये क्या है? अनुग्रह है। क्योंकि ये बात मुझ तक, मेरे पास भी परमेश्वर के द्वारा क्या करिए पहुंची है। मैं आप तक सर्व करने आया हूं है ना। परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया कि सुरेश जा और अब उस काम को कर है ना, जिसको तू कई टाइम से नहीं कर पा रहा था है ना। और इसीलिए मैं आज आपके सामने ना ग्रेस को लेकर आया हूं, अनुग्रह के प्रचार को आपके बीच में लेकर आया हूं है ना। देखिए, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतरकर भी अनुग्रह का संदेश सुना रहा है ना। तो इसका मतलब ये नॉर्मल बात है है ना। अगर स्वर्गदूत स्वयं आकर अनुग्रह को बांट रहा है तो ये नॉर्मल बात नहीं है। ग्रेस स्थिरता का क्या है? वरदान है। बोलिए, ग्रेस स्थिरता का वरदान है ना। मेरे लिए क्या है? स्थिरता का वरदान है ना। देखिए, जितने भी विश्वासी थे ना, पुराना नियम से और नया नियम तक, वो सब क्यों आशीषित हुए? क्योंकि वे स्थिर रह पाए है ना। लेकिन वो स्थिर कैसे रह पाए? क्योंकि ईश्वरीय अनुग्रह उन पर हुआ था। हालेलुया है ना। वो क्यों स्थिर रह पाए? क्योंकि क्या हुआ था? ईश्वरीय अनुग्रह हुआ था है ना। लेकिन ये अनुग्रह कैसे काम करता है, हम इस विषय को सीखेंगे कि अनुग्रह, ये ग्रेस कैसे काम कर सकता है, कैसे काम करता है हमारी लाइफ में है ना। आप सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? दो तीन आदमी बोल रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है ना। जिसको नहीं भी आ रहा है वो मुझसे पूछे बाद में है ना। क्योंकि अनुग्रह एक दिन का प्रचार नहीं है, क्योंकि हम एक दिन में किसी को नहीं समझा सकते कि ग्रेस क्या है। अनुग्रह अनुभव से सीखा जाता है, अनुग्रह को अनुभव से महसूस किया जाता है लाइफ में है ना। और चलिए मैं आपको इफिसियों की किताब में ले चलता हूं। इफिसियों की किताब में 2:8-10 तक पढ़ लेंगे, 7 से ही पढ़ लेना या फिर 5 से पढ़ लो। इफिसियों 2:5-10 तक। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ठीक है, बोले जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया गया है ना। लेकिन किसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है? हालेलुया, अनुग्रह के द्वारा क्या हुआ है? हमारा उद्धार हुआ है। देखो, हम मनुष्य क्या है? अपराध के कारण क्या है? मरा हुआ है। कोई मनुष्य डिनाई नहीं कर सकता। क्या इसमें से हम में से कोई कह सकता है मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है ना। देखिए, एक व्यभिचारिणी स्त्री थी जिसको कई सारे व्यवस्थापकों ने क्या करा, मध्य में रखा है ना, और उस पर पत्थरवाह करने के लिए कहा कि यीशु से इस पर क्या कर, पत्थरवाह कर, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा गया है कि ऐसे लोगों को पथराव कर मार देना चाहिए है ना। यीशु ने कहा ठीक है, व्यवस्था भली है, वो ये बात कहती है, लेकिन क्या, इस पर पहला पत्थर वो मारे जिसने, हालेलुया, प्रभु ने ना कई सारे पत्थरों से हमें बचा दिया। हालेलुया, उसके अनुग्रह ने हमें क्या करा है?
कई सारे पत्थरों से बचा दिया है ना, यहाँ तक कि परमेश्वर के उस क्रोध से भी हमें क्या कर दिया, बचा दिया। और इसीलिए स्वर्गदूत मरियम को कहता है कि क्या आनंद और जय तेरी है क्योंकि तुझ पर क्या हुआ है ईश्वर का, हालेलुया, है ना। क्यों उस पर अनुग्रह, अनुग्रह के द्वारा क्यों उद्धार पा रही है, हम इस बात को देखेंगे। देखिए लिखा गया है और मसीह यीशु में, छठवां पद पढ़ रहा हूं मैं, इफिसियों 2 उसके छठे पद में, और मसीह यीशु के में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ठीक है, मसीह यीशु में उसके साथ क्या किया, उठाया। देखो ग्रेस वो है जब हम लोग क्या होते हैं, अपलिफ्ट होते हैं, हालेलुया। बोले यीशु का अनुग्रह मुझे इसलिए सीखना है, हाँ, क्योंकि मुझे उठना है। ठीक है, अब जो भी अपलिफ्ट होना चाहते हैं, जो भी प्रभु में उठना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, उसे अनुग्रह सीखना होगा, हालेलुया। उसे ग्रेस क्या करना होगा, सीखना होगा, उसे अनुग्रह के विषय में पढ़ना होगा, इस बाइबल को खोल खोल कर। परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे प्रार्थना करो, मैं तेरे सुनकर कैसी बातें बताऊंगा, कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू क्या नहीं करता, भी नहीं समझता, है ना। अनुग्रह ही से क्या हुआ, हमारा उद्धार हुआ है। और वो कहता है मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, हालेलुया। केवल अनुग्रह उठाता नहीं है लेकिन स्वर्गीय स्थानों में क्या करता है, बैठा भी देता है, हालेलुया। एक बार परमेश्वर के लिए ताले बजाए, है ना। देखिए प्रभु की स्तुति इस बात के लिए कि परमेश्वर क्या करता है, स्वर्गीय स्थानों में बैठाता भी है, हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के सामर्थ्य को क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि हम ग्रेस के प्रकाशन को नहीं जानते, है ना। प्रभु की स्तुति हो, वो अनुग्रह ना हमें सुसमाचार के द्वारा प्राप्त हुआ है, है ना। जब मैं शुरू में आया था तो पास्टर जी ने हमें अनुग्रह के विषय में हमें क्या करते थे, सुसमाचार के माध्यम से बार बार अनुग्रह का प्रचार करते थे हमारे जीवन में। लेकिन इस हर रोज संडे चर्च आने से क्या हुआ, मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने लग गया, है ना। जो बात लोगों के दंड आ गया और नियम कानून नहीं बदल सकते, उसको यीशु मसीह बदल सकता है, आमेन, है ना। देखिए क्या हुआ, पुराना नियम जब आप खोलोगे तो एक आदम है जिसको परमेश्वर ने क्या किया, अपने हाथों से बनाया है, है ना। एक धर्मी व्यक्ति जिसको क्या करा, परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, और वो धर्मी व्यक्ति क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। जब व्यवस्था की पुस्तक खुलती है तो क्या होता है, धर्मी बिगड़ जाता है, है ना। लेकिन जब नया नियम खुला तब मत्ती की पुस्तक सबसे पहली क्या है, पुस्तक है सुसमाचार की पुस्तक में, कौन सी पुस्तक है, मत्ती रचित सुसमाचार। और मत्ती आप जानते कौन था, मत्ती कौन था, जोर से बोले, चुंगी लेने वाला, कर टैक्स वसूलने वाला, और जिसको लोग उस समय क्या करते थे, पापी समझते थे, वही पापी व्यक्ति ट्रांसफॉर्म होकर हालेलुया क्या कर रहा है, परमेश्वर का वचन प्रचारित कर रहा है, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। बाइबिल में आप जब नया नियम खोलोगे तो मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, सबसे ज्यादा बदलाव, हालेलुया। आप जब नया नियम खोलते हैं तो क्या होता है, सबसे ज्यादा पापों की क्षमा और सबसे ज्यादा लोगों का क्या मन परिवर्तन होता है। यीशु मसीह धर्म नहीं करता परिवर्तन, लेकिन उसका अनुग्रह क्या करता है, मन को परिवर्तित करता है और अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है, हालेलुया, है ना। प्रभु की स्तुति हो। और देखिए लिखा है सातवें पद में पढ़ेंगे क्या लिखा है, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आमेन, ग्रेस इन दिनों में परमेश्वर दिखाने वाला है, आमेन। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आगे आने वाले दिनों में क्या करे, वो अपने असीम धन को दिखाए। और मैं आपको बताता हूं कि ग्रेस का प्रकाशन जो है, अनुग्रह का जो प्रकाशन है, वो परमेश्वर का खजाने में एक रहस्य है, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का वचन कह रहा है कि वो कैसा है, असीम धन। वो क्या कह रहा है, वो क्या है, असीम धन। वो कैसा धन है, असीम धन, है ना। असीम धन आप जानते हैं क्या होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह लिमिटलेस है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जो ग्रेस है वो आप लोगों के लिए, हमारे लिए कैसा है, लिमिटलेस है, है ना। वो कैसा है, असीम धन है। वो एक प्रेजर है, छुपा हुआ एक गुप्त धन है, जो हम पर क्या होता है, पुराने समय से प्रकट होना चाहता था लेकिन प्रकट नहीं हो पाया, है ना। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मरियम के पास एक स्वर्गदूत भेजा और कहा कि आनंद और जय तेरी भी है क्योंकि तुझ पर क्या हुआ है, ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। आठवें पद में क्या लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया,
वो कहता है, देखिए मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सब लोग इस बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो क्या कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा क्या अनुग्रह ही से, अनुग्रह ही से, बोलो अनुग्रह ही से, है ना, केवल अनुग्रह से नहीं, अनुग्रह ही से हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है, है ना। हमारा उद्धार ऐसा नहीं है कि केवल अनुग्रह एक नॉर्मल चीज है, वो आपको थोप दी गई है और आपने उसे समझा नहीं, सोचा नहीं कि वो क्या है, और बस क्या कर दिया, आपको सौंप दिया गया है। लेकिन बाइबल इस वर्ड पर फोकस कर रही है, फोकस वर्ड है। देखिए जब आप और मैं बाइबल पढ़ते हैं तो कुछ केंद्रीय वर्ड होते हैं जिनको, जिनकी ओर हमें क्या करना पड़ता है, फोकस वर्ड पर ध्यान देना पड़ता है। जब हम स्टडी करते हैं बाइबल की, तब हम धीरे धीरे स्टडी करें। आपको जरूरत नहीं है कि आप आज 16-17 चैप्टर पढ़ लें बाइबल के, लेकिन आपको जरूरत है अगर मैं आज एक पद भी पढ़ूंगी परमेश्वर, तो मैं इसे क्या करूंगी, अपने जीवन में उतार पाऊंगी, या प्रभु आज मैं अगर एक पद पढ़ूंगा तो प्रभु आज मैं इसे क्या करूंगा, अपने जीवन में उतार पाऊंगा, है ना। और बाइबल यहां पर जोर देती कि परमेश्वर क्या कि अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है, और वो क्या है, परमेश्वर का दान है, हालेलुया, है ना। और ये दान ना जैसे मरियम को सौंपा गया, आप और हम सबको सौंपा गया है, हालेलुया। केवल भी मरियम को नहीं सौंपा गया, ऐसे मत सोचो कि स्त्रियों में यीशु मसीह को मरियम को सौंपा गया, ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह को मर्दों को भी सौंपा गया है, यीशु मसीह को लड़कों को भी सौंपा गया है, यीशु मसीह को स्त्रियों को भी सौंपा गया है, है ना, उसके ग्रेस को सबको सौंपा गया है। ये हम पर डिपेंड करता है, उसे कितना सजोते हैं हम कितना अनुग्रह के भीतरी मनुष्यत्व को जानते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या है, एक दान है जिसके द्वारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। पता है उद्धार पाने के लिए, अभी मेरी वाइफ ने टेस्टमनी दी आपको, है ना, कि मेरा भाई क्या करता था, उद्धार पाने के लिए क्या करता था, है ना, परमेश्वर की शांति पाने के लिए क्या करता था। उद्धार वर्ड जो है ना वो ग्रीक भाषा में लिखा गया है सोटेरियो, बोले सोटेरियो। सोटेरियो वर्ड का मतलब होता है हर एक प्रकार की खुशियां, हर एक प्रकार की आशीषें, है ना, निर्बलताओं से छुटकारा, है ना, उद्धार जिसको बोला जाता है, है ना, सालवेशन जिसे बोला जाता है, ठीक है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, लिखा है कि 9 पद में क्या लिखा गया है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। प्रेज द लॉर्ड, है ना, प्रभु की स्तुति हो। लिखा गया है ना कर्मों के कारण कि ऐसा हो कोई घमंड करे। हम पर जो अनुग्रह हुआ है ना, हम पर जो भी यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ है, हम पर जो भी दया हुई है, आप सबको जो भी मिला है वो कर्मों के कारण नहीं मिला है, है ना। मुझे जो भी प्राप्त हुआ है, मैं अपनी बात बताता हूं, मुझे जो कुछ भी मिला है वो ग्रेस के कारण मिला, मेरे कर्मों के कारण नहीं मिला है, है ना। मेरी वाइफ ने जैसे आज टेस्टमनी बताई है ना, वो सब कैसा था, ग्रेस के द्वारा, है ना। मैंने हम लोग प्रार्थना करते थे प्रभु की तो हमारी फैमिलीज को क्या कर चुका है, एक कर चुका है प्रभु, हमने तुझ पर क्या लगाई है, आशा लगाई है, और तू ऐसा काम करेगा कि हमें लज्जा का काम नहीं उठाने देगा, और हम किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे, हम कभी सिर झुकाकर नहीं चलेंगे परमेश्वर, हम आशीषित बनकर चलेंगे, और प्रभु का प्रभु की स्थिति हो। आपको पता है मेरी शादी में पास्टर जी जानते हैं, उनके पास ही टेस्टमनी है, मेरी शादी में मंडप भी सजा हुआ था, है ना, पुजारी के लिए मंडप भी सजा रखा उन्होंने, लेकिन उनको पता है कि एक आदमी है जो स्थिर है, है ना, उनको पता था ये विश्वासी है, और ये स्थिर विश्वासी है, ये कभी झुकेगा नहीं साला, हालेलुया, ये उस पर आज से भयंकर है, ये कभी क्या नहीं करेगा, ये झुकेगा नहीं, है ना, ये कभी नहीं झुकेगा, है ना, उन्हें पता था। और प्रभु की स्तुति हो, ऐसा ही हुआ। परमेश्वर जब अपना काम करने पर होता है ना, सबकी जुबानें क्या हो जाती, बंद हो जाती, हालेलुया, हालेलुया, है ना। आपको यकीन नहीं है, मैं साले जी वहां बैठे उनसे पूछ लेना मेरे गवाह, है ना, प्रभु की स्तुति उन बातों के लिए। लेकिन ये सब किसके द्वारा हुआ है, ईश्वरीय अनुग्रह के कारण, है ना। आपके जीवन में जो भी काम होगा वो अनुग्रह के कारण होगा, और ये इसलिए नहीं कि मनुष्य क्या अपने धर्मों के कारण कामों के कारण क्या पाता है, आशीष को पाता है ना। लेकिन जो विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, इसका मतलब ये है कि विश्वास भी क्या है, जरूरी है ना। लिखा है ना कि विश्वास के द्वारा क्या अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा कैसे, जब हम विश्वास करेंगे, है ना, जब हम क्या करेंगे, अनुग्रह उसके जीवन पर है जो क्या करता है, विश्वास करता है। आपको पता है मरियम ने भी जब तक एक्सेप्ट नहीं किया, मरियम ने भी जब तक स्वीकार नहीं किया, तब तक क्या था, स्वर्गदूत उसके पास से गया नहीं था। आपने पढ़ा है ये पद, पढ़ा है,
ठीक है, लूका में निकालेंगे, वहां देखेंगे हम, है ना। लूका अभी हमने पढ़ा था ना, लूका एक अध्याय और उसका 37 और 38 पद हम पढ़ लेंगे। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। स्वर्गदूत उसके पास से कब गया? सब बोलेंगे, देखो जो मैं आपको देने आया ना, आज वरदान है सच में। आप लोग ये मत सोचना आज हाथ रखेंगे, आपको हाथ रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्रेस जब आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आप डिवाइन, आप लिखा है कि जैसे परमेश्वर ने क्या किया, उनके अनुग्रह के द्वारा उनके स्थानों को क्या कर देता है, उठा देता है मसीह यीशु में, है ना, उनको क्या करता है, स्वर्गीय स्थानों में उठा देता है। आप भी डिवाइन प्लेसेस में चलने लगेंगे। हालेलुया, आमीन। लेकिन ये सब किस लिए होगा? जैसे मरियम ने स्वीकार किया, क्या, देख मैं प्रभु की क्या हूं, दासी हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार हूं, है ना। मेरी मामी थी, उनको उनकी मैरिज को 10 वर्ष हो गए थे, 10 साल हो गए थे शादी के, एक भी बच्चा नहीं था उनका, है ना। उन्होंने कई सारी जगह ट्राई किया, है ना, डॉक्टर्स के पास भी गए और क्या किया, पुजारियों के पास भी गए, और यहाँ तक कि आपके यहाँ पर कोई मंदिर है, कमलेश्वर है क्या है, यहाँ पर खड़े दिए होते कुछ ऐसा होता है ना, वहां पर भी उन्होंने, कहते हैं कि एक टांग पर खड़े रहना पड़ता पति को, उन्होंने क्या किया, वैसा भी किया, तपस्या भी कर ली और कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन जब जितनी बार भी मैं उनके पास जाता था ना, जब सुसमाचार उनकी लाइफ में आ गया, मैं उनको कहता था आनंद और जय आपकी है और आप पर क्या हुआ, ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। और उतनी बार ही वो लेडी, वो मेरी मामी जी, उसको एक्सेप्ट करती थी। डॉक्टर ने उन्हें बोला कि तू मदर नहीं बन सकती, और उनके ट्यूमर्स होते हैं गर्भ के स्थान पर, ट्यूमर हो गया था, है ना, और वहां से बच्चा होना मुश्किल हो जाता है जब बच्चा बड़ा होता है। और प्रभु का धन्यवाद हो, आज उनके पास क्या है, 2 बच्चे हैं। हालेलुया। और मैं आपको चमत्कार की बात ये बताता हूँ, अनुग्रह की बात ये बताता हूँ कि आज भी उनकी रिपोर्ट वही कहती कि तू मां नहीं बन सकती। हालेलुया। रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहे, पर ग्रेस जो कहता है वही होता है। हालेलुया। हालेलुया। बोले चाहे मेरे लिए रिपोर्ट कुछ भी कहेगी, लेकिन ग्रेस जो कहेगा मेरे लिए वो होगा। आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति इस बात के लिए कि जो अनुग्रह कहता है वही होता है, जो परमेश्वर कहता है वही होता है। मरियम के लिए वही हुआ कि मैं क्या हूं, प्रभु की दासी हूं और मुझे क्या हो, तेरे वचन के अनुसार हुआ। और उनके लिए क्या हुआ, वचन के अनुसार हुआ, है ना। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि बिना विश्वास के अनुग्रह काम नहीं करता, है ना। लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को खुश करना कैसा है, अनहोना, कैसा है। देखिए लिखा है इब्रानियों की किताब में, इब्रानियों 11 उसके 6 पद में क्या लिखा है, लिखा है, उसे पढ़ेंगे और हम सब मिलकर पढ़ेंगे, हैं, ठीक है। क्या लिखा है इब्रानियों 11 उसके 6 अध्याय में, मिल गया सबको, ठीक है, हम सब पढ़ेंगे। क्या लिखा है, ठीक है। आप में से जितने परमेश्वर के पास आए हैं ना, पहले वो ये मान ले कि परमेश्वर है और अपने खोजने वाले को क्या देता है, प्रतिफल देता है। आमीन। और इसीलिए विश्वास अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन में क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा, है ना। और वचन में लिखा है क्या कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना कैसा है, अनहोना है। कोई परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। हमारे काम कैसे, बाइबल कहती है हमारे काम कैसे, मैले चिथड़े के समान। पता मैला चिथड़ा कैसा होता है, मेरा चित्र ऐसा होता है जब आप उसे किसी व्हाइट प्लेस में लगाएंगे ना, वो क्या करेगा, आपके सफेदी को और गंदगी में परिवर्तित कर देगा, है ना। आप इस व्हाइट दीवार पे उसे क्या करोगे, मारोगे और वो क्या करेगा, और गंदा कर देगा। हमारे काम भी ऐसे ही हैं, हम अपने कामों से परमेश्वर पे पोछा मारना चाहते हैं कई बार, है ना। परमेश्वर के मंदिर को क्या करना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं, किसके द्वारा, अपने कामों के द्वारा, है ना। लेकिन हमारे जो काम है ना धार्मिकता के, वो परमेश्वर के राज्य को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, है ना। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में प्रसन्न करने के लिए एक बात रखी गई है, वो क्या है, फेथ, विश्वास, जिसके विषय में बाइबल बात कर रही है, वो क्या है, विश्वास है, है ना। लेकिन ये विश्वास जो है ना, ये विश्वास भी अनुग्रह तक ऐसे ही नहीं पहुंचाता,
इस विश्वास तक भी हमें क्या करना पड़ता है, पहुंचना पड़ता है। देखिए पहले ध्यान से सुनना, पहले मैंने आपको बताया कि अनुग्रह में हम विश्वास के बिना नहीं पहुंच सकते, लेकिन विश्वास में भी हम आशा के बिना नहीं पहुंच सकते। देखिए विश्वास क्या है ना, इब्रानियों 11 उसके 1 पद में पढ़ेंगे और क्या लिखा गया है। ठीक है, इब्रानियों 11 उसके 1 पद में क्या लिखा गया है, है ना? देखिए क्या लिखा गया, अब विश्वास क्या है, बोलिए अब विश्वास क्या है, अब विश्वास क्या है, सब बोलेंगे, एक भी मुंह बंद नहीं रहेगा, विश्वास क्या है, विश्वास क्या है, विश्वास जो है ना वो आशा की गई वस्तु का निश्चय है। आप बोलते हैं प्रभु मुझे क्या विश्वास, हाँ प्रभु जी पास्टर जी विश्वास तो जो है ना, विश्वास तो छह जो पास्टर जी प्रार्थना कर दिया है ना, और क्या हो रहा है पास्टर जी भी थक गए और क्या हम लोग भी थक गए, लेकिन क्या उस बंदे के जीवन में काम नहीं हो रहा है। लेकिन काम ना होने का कारण क्या है, विश्वास नहीं है, लेकिन उसे क्या नहीं है, आशा नहीं है, उसे क्या नहीं है, उम्मीद नहीं है कि परमेश्वर है और अपने खोजने वाले को क्या देता है, प्रतिफल देता है। हालेलुया, देखो जिसको उम्मीद नहीं है उसके अंदर फेथ नहीं है, हालेलुया, ठीक है, जिसके अंदर क्या नहीं है, आशा नहीं है ना, उसके अंदर विश्वास भी नहीं है, ठीक है। यही तो कह रही बाइबल, मैं कुछ गलत बता रहा हूं, क्या लिखा है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का क्या है, निश्चय। आप निश्चय इस बात को देख पाओगे अगर आप आशा रखोगे। आमीन। देखो अब्राहम ने जब विश्वास किया, आप इसके एग्जांपल पढ़ना, तो सारी बातें ये थी कि उन्होंने पहले आशा रखनी परमेश्वर से, क्या करी थी, शुरू की, उन्होंने क्या करी परमेश्वर से, उम्मीद बांधनी शुरू की, है ना। जिसने परमेश्वर पर उम्मीद लगाई उसी का विश्वास क्या हुआ, अनुग्रह के द्वारा कार्यरत हुआ। हालेलुया, है ना। अनुग्रह तक पहुंचने के लिए आशा, विश्वास और प्रेम क्या है, जरूरी है, जिस संदेश को मैं आज आपके बीच में लेकर आया हूं। हालेलुया। और इसीलिए वो कहता है कि अब विश्वास कैसा है, अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है, लेकिन विश्वास कैसा है, विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है। देखिए एक लहू बहने वाली स्त्री थी, अगर आप ना आशा से नहीं आओगे ना, बस केवल इसलिए आओगे कि आज कोई मेरे पे क्या करे, हाथ रखे और एक चमत्कार हो जाए, तो चमत्कार नहीं हो पाएगा, है ना। मैं आपको बताता हूं, जब मेरी बेटी होने वाली थी तब इसका एक टेस्ट होता है, जो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि वो आपको संसार का ज्ञान क्या करता है, भ्रमित कर देता है ना। तो क्या हुआ कि जब मेरी बेटी होने वाली थी, एक टेस्ट था पार्ट पर मारकर, है ना, एक टेस्ट था पार्ट पर मारकर, और उससे करवाया, और वो क्या आ गया, वो आ गया कि तुम्हारी जो बेटी के, तुम्हारी बेटी में ना विकलांगता क्या पाई जाएगी, तुम्हारा जो बच्चा होगा उसमें क्या होगा, विकलांगता पाई जाएगी, जेनेटिक्स कर्स उसमें पाए जाएंगे, कुछ ऐसी बात उसमें पाई जाएगी कि जिससे तुम्हारा बच्चा क्या हो सकता है, क्या बोला था, विकलांग पैदा हो सकता है ना, ये तो बोला था, है ना, तुम्हारा बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, विकलांग पैदा हो सकता है। और हम दोनों ड्यूटी पर थे और मेरी वाइफ ने मुझे बताया, मुझे बुलाया और ऑफिस में जाकर रोने लग गई और बोला कि डॉक्टर मुझे ऐसा कहते हैं, है ना, और बहुत रोने लग गई, है ना। और मैंने क्या क्या कहते हैं डॉक्टर, है ना, मैंने कहा मेरे को ले चल वहां पर, क्या कहते हैं डॉक्टर, है ना। उन्होंने बताया भाई देखो ऐसा है कि इसका टेस्ट नेगेटिव आया है और कुछ भी हो सकता है, बच्चा तुम्हारा खराब भी हो सकता है, और तुम चाहो तो इसको अबॉर्ट भी करा सकते हो, और तुम चाहो तो क्या इसको क्या करेंगे, तुम चाहो तो ऐसे भी अपनी मैरिज लाइफ ऐसे जी सकता है ना। और क्या हुआ उसके बाद, मैंने कहा मैं ये फेक रिपोर्ट नहीं मानता क्योंकि मैं बाइबल की रिपोर्ट जानता हूं। आमीन। मैंने उससे क्या कहा, है ना, मैंने अपनी वाइफ को कहा कि मैं कोई जेनेटिक कर्स को नहीं मानता हूं, मैं किसी पीढ़ियों के श्राप को नहीं मानता हूं। आमीन। देखिए कई विश्वासी जो क्या कर रहे हैं, जेनेटिक कर्स को मान रहे हैं, है ना, कि हाँ भाई हम मसीह में है, लेकिन क्या है, पीढ़ियों से चले आने वाला श्राप हमारे जीवन में काम करता है। अगर पीढ़ी से आने वाला श्राप काम करता है तो मुझे बाइबल से बताइए कि वो अब्राहम के जीवन में क्यों नहीं काम किया, अब्राहम क्यों आशीषित व्यक्ति हो गया, और जिस समय वो बच्चा पैदा नहीं भी कर सकता था उस समय उसके जीवन में कैसे भाई बेबी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आप सुन रहे हैं, आप आशीषित हो रहे हैं, बोलो मैं आशीषित हो रहा हूं। अब्राहम और सारा के जीवन में कैसे उस बात ने काम किया, है ना।
डॉक्टर ने हमें बोला कि एक टेस्ट कराना पड़ेगा, और एक टेस्ट होता है, एक NIPT होता है, एक और टेस्ट होता है जिसमें क्या करते हैं, सिरिंज डाली जाती है, सिंक पेट में डाली जाएगी और जो वाटर रहता है माँ के गर्भ में उससे वो इंजेक्ट निकाला जाएगा इंजेक्शन, और उसके द्वारा क्या होगा, जांच होगी जेनेटिक्स की, ठीक है। तो वो जांच होनी थी और उसमें कोई भी खतरा हो सकता है, उन्होंने कहा है ना, हमने मना किया कि हम इस जांच को नहीं कराएंगे, और एक और टेस्ट होता है NIPT, हमने बोला इस टेस्ट को करा लो, मेरा बच्चा खराब नहीं है। और मैंने कहा प्रभु की स्तुति हो, और मैंने उन्हें कहा कि मेरा बच्चा क्या नहीं है, खराब नहीं है। मैंने कहा कि मुझे मेरे अंदर अपने पीढ़ियों के अंदर कोई शाप नहीं है, हालेलुया। और जब मैं आपको बताता हूं, जब मैंने ऐसा कहा है ना, 22 दिन से हमारे पास प्रेयर के लिए, क्योंकि जेनेटिक्स बात है, किसी भी चीज से ठीक नहीं हो सकती, कुछ भी मेडिकेशन कर लो ठीक नहीं होगा कुछ भी तुम्हारे जीवन में, है ना, है ना, वो श्राप है और वो बनकर ही आएगा तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा, प्रभु मैं किसी जेनेटिक कर्स को नहीं मानता, क्योंकि मैं बाइबल में लिखे हुए वचन को मानता हूं, हालेलुया। 22 दिन बाद रिपोर्ट आई और मेरे बच्चे के क्रोमोसोम्स नॉर्मल बच्चे से भी अच्छे थे, मेरे बच्चे की जितनी भी बातें थी नॉर्मल बेबी से क्या थी उत्तम थी, हालेलुया। प्रभु ऐसे काम करता है हमारे जीवन में, हालेलुया। ये इसलिए हुआ कि मैंने क्या करा, हम सब ने क्या किया, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने बस एक बात कही कि प्रभु हम तुझ पर क्या लगाते हैं, आशा लगाते हैं, और इस आशा से हमने विश्वास की गई वस्तु का निश्चय देखा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने क्या किया, इस आशा से विश्वास की गई वस्तुओं का क्या देखा, निश्चय देखा। अगर हमें आशा नहीं है ना, तो हम परमेश्वर की उन बातों का विश्वास जिन पर हम विश्वास कर रहे हैं, है ना, जिस देखिए विश्वास कोई मन का जोड़ नहीं है, आप इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं, विश्वास कभी ऐसा नहीं है, जब आशा उत्पन्न होती है। मैं आपको उस राय के दाने के पास लेकर जाना चाहता हूं आज, वो कैसे उत्पन्न होता है, जब हम आशा से किसी बीज को बोते हैं तब परमेश्वर उस राय के दाने को फलवंत करता है, हालेलुया। आज आप मेरी बच्ची को देखोगे, सुबह उठकर मुझे क्या करती है, जय मसीह की करती है, पापा जय, हाथ जोड़ती है। अब मेरी बच्ची क्या है, 8 मंथ की है, और 6 मंथ पे उसे पापा आई लव यू कहना सीख लिया था, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। ये सब कैसे हुआ, प्रभु के नाम से, है ना, परमेश्वर ने हमें क्या दिया, स्वस्थ बच्चा दिया, है ना। देखिए हम जैसी आशा बाइबल के ईश्वर से लगाएंगे, वचन कहता है क्या, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। अब ये हमें हम पर डिपेंड करता है कि आज हम जब सुबह चर्च आए या हर रोज जब अपने परमेश्वर के साथ जी, हम कैसा विश्वास लेकर परमेश्वर के साथ क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या हम पॉजिटिव हैं, क्योंकि हम विश्वास ही होते हैं ना, चैन की सांस नहीं ले पाते, हमारे अंदर इतना डर रहता है कि निश्चय यार ये वचन पूरा होगा भी कि नहीं होगा, हमारे अंदर डर भरा हुआ है, हमारे अंदर क्या है, डर भरा हुआ है ना। प्रभु की स्तुति होगी, विश्वास क्या है, आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है, है ना, ये निश्चय ही आप पर हमारे जीवन में काम करेगा, है ना। बोले ये आशा मेरे राजा को, मेरी निर्बलताओं को मेरे जीवन से हटा देगी, मुझ में जो उजियाला है उसे अंधकार से अलग किया जाएगा। प्रभु आज मैं इस आशा से तेरे वचन को स्वीकारता हूं, आमेन। देखिए हर रोज आप चर्च आए, लेकिन अगर आप सीड को लेकर नहीं गए, इस आशा के, है ना, इस आशा के सीड को लेकर नहीं गए, तो हम कैसे परमेश्वर की बातों को पा सकते हैं, है ना। उम्मीद बांध के आना जरूरी है ना। देखिए हम आज तक विश्वास सोचते थे इंटरनल क्या है, फोर्स है जो अंदर से क्या करता है, लगाया जाता है मनुष्य के द्वारा, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, हाँ उसके जीवन में किया था, इसके जीवन में किया था, मेरे जीवन में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके जीवन में तब परमेश्वर ने काम किया था जब उसने क्या करा, आशा रखी, है ना। किसी और की टेस्टिमनी तब हुई जब उसने क्या करी, पता आपको, आज जब मेरी बच्ची की डिलीवरी डेट आ गई थी और मेरी बच्ची होने वाली थी, तब डॉक्टर ने एक नेगेटिव कंसेंट लिख दिया था, अभी मेरा मोबाइल यहाँ आते हुए खराब हो गया था, नहीं तो मैं आपको वो दिखाता, डॉक्टर ने नेगेटिव कंसेंट लिख दिया था, और उसमें लिखा था कि क्या
इस बच्चे की क्या है, एनआईपी टेस्ट खराब है ना, इसकी दिल की धड़कन अब नॉर्मल हो सकती है, बच्चा भी शारीरिक रूप से विकलांग पैदा हो सकता है। और मैंने उस फाइल को उठाया और पढ़ा और मैंने बोला कि प्रभु ये मेरे बच्चे की फाइल है ही नहीं, मैंने फेंक दिया उस फाइल को, हालेलुया। और मैंने कहा मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानता। और जब देखिए जब हम जब तक आशीष को देख नहीं लेते ना, तब तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए परमेश्वर के वचन से। यही बाइबल का वचन हमें क्या कर रहा है, सिखा रहा है। जो निराशा में क्या करेगा, आशा रखेगा, वही विश्वास की आशीषों को देख पाएगा। आमीन। क्या मैं वचन से आपको दिखाऊं? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? लंबा हो रहा है वचन? इसका मतलब 3 घंटे और ले सकता हूं? नहीं, मैं 3 घंटे नहीं लूंगा आपके, ठीक है। रोमियो 4 17 से और 18 तक पद पढ़ लेंगे हम। रोमियो 4 17 से 18 पद मिल गया सबको? ठीक है, जैसे मिल गया वो पढ़ लीजिए। जैसा लिखा है 17 जी, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे लोगों को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता है। हालेलुया। अब क्लियर है कि अब्राहम विश्वास तक कैसे पहुंचा था? लिखा गया है, जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का क्या ठहराया है, पिता ठहराया है। ये पवित्र शास्त्र ने पहले ही बोल दिया था। ये बहुत सी जातियां पता कौन है, कौन होगी बताऊं? ये बहुत सी जातियां कौन होगी? हम जो यहां बैठी है ये बहुत सी जातियां भी है। हालेलुया। अब्राहम उस दिन अगर आशा नहीं रखता ना, तो आप हमें इस चर्च की कुर्सियों में नहीं बैठे होते। हालेलुया। अगर अब्राहम उस दिन आशा नहीं लगाता तो हम जैसी जातियां भी आशीष नहीं पाई जाती, क्योंकि यीशु मसीह कौन है हमारी दृष्टि में? वो तो ईसाइयों का ईश्वर है। हमारी दृष्टि में कौन है वो? वो तो ईसाइयों का ईश्वर है। अगर वो ईसाइयों का ईश्वर है तो ईसाइयों के लिए काम करे ना, हम लोग के लिए क्यों काम करते हैं? लेकिन वो सबका परमेश्वर है और वो सबके पापों के लिए आया है, इसीलिए वो सबके लिए काम करता है। हालेलुया, है ना। और लिखा गया कि जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का क्या ठहराया, पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे होने से जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो वो है। फिर मैंने भी ऐसा करना शुरू किया ना, मैंने बोला प्रभु मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानता, जो बात है ही नहीं मेरे जीवन में। मैं बोलता हूँ प्रभु मेरी बेटी क्या है, अशिक्षित है ना, और जिस दिन वो पैदा हो गई उसके दूसरे दिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसकी हार्ट बीट क्या है, नॉर्मल बच्चे से अलग है, ज्यादा है, इसलिए इसे एनआईसीयू में डालना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि इसे क्या करना पड़ेगा, आईसीयू में क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, इसकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है। सोचिए एक सामान्य विश्वासी होता ना जिसने आशा के वचन को नहीं पढ़ा, वो बोलता ठीक है धन्य महाराज तुम ही हो, तुम ही करो इस बात को पूरा, छे तुम मेरे बच्चे हो। पता है जब आयुष में बच्चे को डाला जाता है पूरा नेजल नेजल से थ्रॉट भाई पैर लगा के पूरा छेद किया जाता बच्चे को। मैंने कहा मैं बच्चे को आयुष में नहीं देखता। हालेलुया। मैं अपने बच्चे को आयुष में नहीं देखूंगा। मैंने कहा मैं अपने बच्चे को घर ले जा रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मैं अपने बच्चे को घर ले जा रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा तू नेगेटिव कंसेंट लिख के दे दे कि अगर इससे कुछ हो गया तो इसके मौत के जिम्मेदार हॉस्पिटल ही होगा। मैंने कहा मैं लिख के देता हूँ लाओ, है ना। और मैं अपने बच्चे को घर ले गया, उसकी हार्ट बीट क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। हालेलुया। जैसे जैसे मैं आशा लगा रहा था ना, वैसे वैसे विश्वास काम कर रहा था। मैं आज आपके बीच में इसलिए आया हूँ क्योंकि लाइव टेस्ट मनी मेरे पास है। मैं आपको केवल बाइबल में लिखी हुई बातें नहीं बोल रहा, लेकिन बाइबल में लिखी हुई बातों पर चलकर आपको सिखा रहा हूँ। हालेलुया। जैसा मैंने सीखा, जैसा मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई की, वो आपके जीवन में भी काम कर सकता है। लेकिन कब, जब हम आशा लगाए रहेंगे, है ना। जो आशा लगाता है वही तो विश्वास कर रहा है एक्चुअल में, है ना। जिसको उम्मीद ही नहीं वो विश्वास कहां से बात है? विश्वास ये नहीं होता कि पास्टर जी मैं विश्वास करता हूं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं। पता है विश्वास बनाए रखने पड़ता है ना। जो उम्मीद बांधे रखता है, लिखा है कि निराशा में भी उसने क्या करी, आशा रखी कि तेरा वंश ऐसा होगा। और देखिए आप इस बात को सीख के जाएं कि मुझे ऐसा बोलना जरूरी है ना।
कैसा? जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लोग मानो वो हैं। जो बातें क्या हैं? है ही नहीं उनका नाम कैसा लेना है हमने? मानो वो हैं। क्या प्रभु के लिए? देखो जिसने कार बनाई उस कार बनाने वाले के लिए गाड़ी ठीक करना मुश्किल है या आसान? बताओ, जिसने कार बनाई होगी उसके लिए गाड़ी ठीक करना आसान हो गया मुश्किल होगा? जिसने आप और हम सब को बनाया उसको हमें ठीक करने के लिए मुश्किल होगी या आसानी होगी? जब आसानी होगी तो हम उस आसानी की राह पर क्यों नहीं चलते, है ना? हम क्यों उम्मीद परमेश्वर से नहीं लगाते? जो उम्मीद बांधे रहता है वही आशीषित होता है ना? जो आशा रखता है वही क्या देखता है? परमेश्वर की सामर्थ को देखता है ना? लिखा क्या है? वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। हालेलुया। एक्चुअल में वो विश्वास में नहीं बल्कि किसमें? आशा में निर्बल नहीं हुआ। हालेलुया। वो किसमें निर्बल नहीं हुआ? आशा में निर्बल नहीं हुआ। जब वो उम्मीद नहीं खो रहा था ना, बार बार जब उसे उसका बुढ़ापा याद दिला रही है ना, जब बार बार उसकी पत्नी उसे याद दिलाती, एक बार उसकी पत्नी हंसती है इस बात पे, प्रभु ये कैसे होगा, है ना? और वो बहुत सारी अपनी सोचे लगाते हैं, है ना? बहुत सारा अपना काम करते हैं और एक ऐसी जाति अपने लिए खरीद खड़ी कर देते हैं जो उनके विरोध में होती है, और उसका नाम था क्या? हाजिरा। जब हम विश्वास नहीं करते ना, हाजिरा का मतलब पता क्या होता है? हाजिरा का मतलब इब्रानी भाषा में है युद्ध, लड़ाई, झगड़ा। जब हम आशा नहीं रखते, जब हम विश्वास नहीं कर रहे होते परमेश्वर पर, तब हम अपने लिए आत्मिक युद्ध तैयार कर रहे होते हैं। हालेलुया। जब हम क्या नहीं करते, जब हम आशा नहीं रखते ना, हम अपने लिए ना एक लड़ाई तैयार कर रहे हैं। और वो लड़ाई ऐसी थी जो सारा के साथ इतनी भिड़ंत करती थी कि उसने क्या करा, सारा को ही अपमानित करने लगी वो लेडी से, है ना? सारा को ही वो क्या करने लगी? अपमानित करने लगी। तब सारा ने एक अच्छी माता होने के कारण एक निर्णय लिया कि इसको जब तक, जैसे मेरा बच्चा पैदा होता है उससे पहले ही इसे क्या कर दे, तू निकाल दे, है ना? उसने क्या किया, निराशा को अपने जीवन से क्या कर दिया, निकाल दिया। और इसहाक जैसे ही बड़ा हुआ उसने निराशा को नहीं देखा, उसने अब्राहम की क्या देखी? आशीष देखी। हालेलुया, हालेलुया, है ना? उसने क्या देखी? अब्राहम की आशीष देखी, है ना? देखिए स्थिरता के इन दो वरदानों में ना, आज मैं तीसरा वरदान नहीं बता रहा हूं, लेकिन दो वरदान आपके हाथों में सौंप कर जा रहा हूं आज, हमें, है ना? और मुझे अवसर मिलेगा तो मैं फिर आप लोगों के बीच में आऊंगा और तीसरे वरदान के विषय में हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, है ना? परमेश्वर आपको ना इस वचन से आशीष दे, आज के छुटकारे की बातों से, है ना? है ना? परमेश्वर वो काम करे आपकी लाइफ में जिनकी जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी। लेकिन ये तब होगा जब हम आज इन कुछ बातों को याद रखेंगे, है ना? जब हम याद रखेंगे कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। जब हम याद रखेंगे कि अनुग्रह के लिए, उस उद्धार के लिए हमें विश्वास करना पड़ेगा। और जब हम याद रखेंगे कि विश्वास आशा के बिना कैसा है, अधूरा है। ठीक है, आज जब आप जाओगे ना, देखिए स्थिर कलीसिया कैसे बनी थी, पौलुस को पता था, वो बहुत इंटेलिजेंट था, पता है? आप जब पौलुस ने बताया ना इस वरदान को, जो मैंने आपको बताया, है ना, जो पौलुस ने उस कलीसिया के साथ खड़ा किया, परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया सच में कि कलीसियाओं को स्थिर रहने वाली बात सिखा, है ना? चाहे आपकी चर्च में, आपकी कलीसिया में 4 लोग भी हैं, लेकिन वो स्थिर विश्वासी हैं, क्योंकि वो ही रास्तों को बदलते हैं। हालेलुया। अब्राहम जब विश्वास में आ गया था ना, तब वो विश्वास से पीछे नहीं हटा। हालेलुया। अब्राहम जब विश्वास में आया, तब वो विश्वास से पीछे नहीं हटा, और इसीलिए क्या हुआ, नेशंस बदल गए। हालेलुया, है ना? आप जितने यहां पर आज लाए गए हैं परमेश्वर की योजना के क्या है, हिस्से हैं। और परमेश्वर आपसे चाहता था कि आज आप क्या करें, आशा और विश्वास और प्रेम के विषय में जाने। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के लिए ताले बजाएंगे और परमेश्वर का स्वागत करेंगे कि प्रभु अब आपके जीवन में काम करें।